Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. अब आशा करती हूँ कि आपके गिरधर गोपाल मेरे भाई साहब को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि अगर मेरे भाई साहब को कुछ भी हुआ ना भाभी साहब, मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकूंगी। अगर मेरे भाई साहब को कुछ भी हुआ ना भाभी साहब, मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकूंगी। हे मेरे गिरधर गोपाल, राणा जी की वार्ता में कुछ अनुचित मत होने देना, नहीं तो राणा जी का नाता पड़ोसी राज्यों से बिगड़ेगा, लोग उंगली उठाएंगे हमारे नाते पर। मुझ पर उंगली उठे ये मैं सह लूंगी, किंतु मेरी भक्ति, मेरे प्रेम पर कोई उंगली उठाएगा ये आपकी मेरा कैसे सहन कर पाएगी? प्रभु, मेरा पत्नी का दायित्व तो आपके प्रति है, पत्नी बनकर सेवा और प्रेम तो मैं केवल आप ही के लिए कर सकती हूँ। सब कुछ तो मैं त्याग चुकी हूँ आपके चरणों की दासी बनने के लिए, बस अब आपको ही मेरा की लाज रखनी होगी। अब आप ही बताइए प्रभु, आपकी मीरा करे तो क्या करे, मुझे यहाँ से ले जाइए, मेरा मन नहीं लगता यहाँ, मेरा मन तो केवल आपके चरणों में रमा है, मुझे आपके चरणों में जगह दे दीजिए, जगह दे दीजिए प्रभु। ये लीजिए रानी सा, ये तो अद्भुत है जो आपने अपने गिरधर गोपाल के लिए लिखा है। अद्भुत ये नहीं, अद्भुत तो मेरे गिरधर गोपाल है। जो आपने लिखा है वो मुझे भी सुनाइए ना, मुझे भी समझाइए। मन रे परसी हरि के चरण, सुभाग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। अर्थात मेरा मन तो सदा मेरे गिरधर गोपाल के चरणों में लगा रहता है। वो गिरधर जिनका मन सदा ही शीतल रहता है, भले ही वो अपने भक्तों की ज्वाला जैसी विपदाओं को हरते रहते हैं। जिन चरण गोबर्धन धरियो, गर्व माधव हरण, दासी मीरा लाल गिरधर, आगम तारण तारण। अर्थात जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, ये मीरा तो अब उन्हीं की दासी है, और मीरा की सारी विपदाओं को अब यही गिरधर गोपाल धारण करेंगे। रानी सा, आपके इस पद में भक्त की पीड़ा भी है और प्रभु की प्रशंसा भी है, और उनके लिए प्रेम और भक्ति भी है। मेरे लिखे हर पद में मेरे गिरधर और उनकी भक्ति है। तो क्या आपने और भी पद रचे हैं? हाँ, वो मेरे मायके से आए हुए सामान में है, और उसी में मेरे सद्गुरु का दिया हुआ एक तारा और जापमाला भी है। तब तो मैं कल ही ये सब ढूंढ कर आप तक पहुंचा दूंगी।
धन्यवाद चंप। इसमें धन्यवाद कैसा रानी सा? ये तो मेरा कर्तव्य है जो गिरधर गोपाल ने ही मुझे सौंपा है। ये तो मेरा कर्तव्य है जो गिरधर गोपाल ने ही मुझे सौंपा है। किसी के जीवन ईश्वर की देन है पुत्री, तो कर्तव्य भी तो मुझे भी देन है ना। मेरी सभी समस्याओं का समाधान पहुंचाने का एक अनोखा तरीका है आपका प्रभु। मैं आपका संदेश समझ गई। अब मैं अपने सभी दायित्व निभाऊंगी। लेकिन हाँ, अब मेरा नाता केवल आपके साथ होगा। मैं आपकी भक्ति में डूब गई, तो मुझे माफ कर देना प्रभु। मीरा ने अपने सभी दायित्वों और कर्तव्यों को निभाने की ठान ली, जिससे प्रभु के प्रति उसके प्रेम और भक्ति पर किसी को कुछ कहने का अवसर ही ना मिले। किंतु व्यक्ति जैसा सोचता है, क्या दूसरे भी वैसा ही सोचते हैं? इस बात का प्रमाण तो आने वाला समय ही देने वाला था। किंतु खजाना, भोजराज जिस सभा में गए, क्या वो सफल हुई? यदि वो विफल होती, मीरा बाई कुछ भी कर लें, उनके भक्ति पर उंगली उठने ही वाली थी। संत तुलसीदास जी ने लिखा है ना, होई ही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अर्थात तर्क का कोई अर्थ नहीं, गिरधर ने जो रचा था वही यहाँ भी हुआ। बाईसा, कहीं आपकी चिंता इस राज परिवार की सुख शांति की चिता ना बन जाए। उदा बाईसा, कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो बात आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है और उसे रोकना आपका। उदा बाईसा, रामा जी लौट आए हैं। आशा करते हैं सब अच्छा ही हुआ होगा। जो भाभी साने किया, कहीं उसकी वजह से कोई अनिष्ट नहीं हुआ होगा। जो समझदार हो उसे बार बार समझाने की क्या आवश्यकता, ये भाभी सा ने साबित कर ही दिया। नहीं, मैं खुद कर लूंगा, लाइए। ये लीजिए, जल पी लीजिए। थक गए होंगे, भोजन लगवा दूं? शुभ समाचार, भूख और थकान सब मिटा देते। प्रणाम भाई साहब। तो क्या संधि वार्ता सफल हुई? उदा भाई साहब, आप वहां होती तो गर्व से फूले नहीं समाती। आज कुंवर भोजराज ने सभी राजाओं को ऐसे तर्क दिए कि सभी ने उनकी तारीफ ही नहीं की बल्कि जय जयकार भी करने लगे। शांति, मित्रता और एकता का ऐसा पाठ हमने आज तक कभी नहीं सुना था। सभी राजाओं ने एक मत होकर शांति बनाए रखने का निर्णय लिया है। तिलक नहीं किया तो क्या हुआ? भाभी सा की प्रार्थना में सचमुच बहुत असर है। मैं अभी जाकर मेरे गिरधर गोपाल का धन्यवाद करती हूँ। हे मेरे गिरधर नागर, आप तो हर पग पर मेरा साथ देते हैं, तो मुझे लेने क्यों नहीं आते? आप भी सोचते होंगे कि क्या आपकी मीरा हर वक्त यही रट लगाए बैठी रहती है। प्रभु मुझे इतनी शक्ति दीजिएगा कि मुझसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। प्रणाम प्रभु।
आपको वहां सोने की कोई आवश्यकता नहीं, ना ही अपनी रक्षा के लिए प्रभु की बांसुरी लाने की आवश्यकता है। मैं आपको वचन दे चुका हूं, आपकी भक्ति और आपके प्रभु के प्रेम के बीच मैं नहीं आऊंगा। धन्यवाद राणा जी सा, किंतु बात केवल भक्ति की नहीं है, ये तो आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए मुझे? यही कि मेरे गिरधर से मेरा नाता केवल भक्ति का नहीं, प्रेम का भी है। जानता हूं जो अपने प्रभु से भक्ति करते हैं वो उनसे प्रेम भी करते हैं। लेकिन मैं अपने गिरधर से उनकी पत्नी के रूप में प्रेम करती हूँ। मैंने सदा गिरधर गोपाल को ही अपना पति माना है और उनकी ये जगह किसी और को नहीं दे सकती। और मैं भूल कर भी वो भूल नहीं कर सकता। त्रिलोक के राजा के सामने मैं एक बिंदु मात्र, त्रिलोक के राजा के सामने मैं एक बिंदु मात्र। जिसकी दृष्टि के सामने स्वयं त्रिलोक के अधिपति खड़े उसकी दृष्टि भला किसी और पर क्या जा सकती है? मैंने आपको अपने मन की इतनी बड़ी बात कही और आप मुस्कुरा रहे हैं। लगता है मैंने जो कहा आप वो समझे नहीं, पर मुझे विश्वास है कि मेरा विवाह तो मेरे गिरधर गोपाल से ही हुआ है। और मीरा क्या है गिरधर नागर, दूसरा ना कोई। भले ही आपने ये बात मुझे आज बताई, पर मैं ये तब से जानता हूं जब से पहली बार हम मिले थे। मैं अपने गिरधर की हूं और गिरधर मेरे, इससे बढ़कर भला और किसी से क्या नाता हो सकता है? विवाह के फेरे से लेकर आज तक आप सदा अपने गिरधर गोपाल की रही। मैं ये भी जानता हूं अपने गिरधर गोपाल को छोड़कर मुझे तो क्या, आपने किसी और की तरफ भी नहीं देखा। यहाँ हमारे महल में आप यहाँ की बहुरानी बनकर भले ही आई, पर गृह प्रवेश भी आपने गिरधर गोपाल के साथ ही किया था। मैं तो सदा एक पग पीछे ही था। आप तो सब जानते थे ना, फिर भी आपने मुझसे विवाह क्यों किया? आपकी भक्ति का प्रभाव ही ऐसा है। मैं पहली मुलाकात में आपके प्रभु के प्रति निष्ठा को समझ गया था। मैं ब्याह के लिए ना करता तो शायद आपका नाता किसी और से जुड़ जाता और वो शायद आपकी भक्ति को समझ नहीं पाता। जिस प्रकार आपने समझा है, आपने इतना बड़ा त्याग मेरे लिए क्यों दिया? त्याग नहीं, सम्मान है आपकी भक्ति के प्रति। जो इतने सालों में मेरे परिवार वाले नहीं समझ पाए, उस भक्ति का मर्म आपने एक नजर में समझ लिया। आप कोई साधारण पुरुष नहीं राणा जी सा, बहुत बड़े धर्मात्मा है। नहीं, आपके तो हाथ तो बस अपने गिरधर गोपाल के सामने जुड़ने के लिए बने हैं, पर मैं कोई धर्मात्मा नहीं। आपसे ब्याह करने में मेरा भी स्वार्थ था, मैं सच्ची भक्ति का मर्म समझना चाहता था जो मुझे आपकी भक्ति से मिला। गिरधर गोपाल के होने के आभास से
उसका प्रमाण भी पा लिया मैंने, इसलिए आपके जीवन में मेरा कोई स्थान नहीं। जो है प्रभु गिरधर गोपाल ही है। मैं वचन देता हूं प्रभु की इस मीरा को स्पर्श भी नहीं करूंगा। इसीलिए आज से कक्ष में बांसुरी लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तो आप में ही प्रभु गिरधर गोपाल दिखते हैं। रक्षा के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। प्रणाम प्रभु। मुझे आपसे एक वचन चाहिए। वचन दीजिए कि अपनी भक्ति के भाव में बह कर आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि राज परिवार की आन बान शान पर कोई आंच आए। कहिए मीरा भाई साहब, कुछ तो बोलिए। क्या आप मुझे इतना वचन दे सकती है? क्या करूं मैं? राणा जी सा को वचन दूं या नहीं, उस वचन को मैं रख तो सकूंगी ना। हे गिरधर, फिर एक बार मेरी सहायता कीजिए प्रभु। फिर मीराबाई ने क्या किया गजानन? जो वचन भोजराज उनसे चाहते थे, क्या वो वचन उन्होंने दिया? प्रतिज्ञायाम ही नष्टायाम धर्मो ही विलियम व्रजेत, अर्थात वचन पूर्ण ना हो तो अच्छाई का ह्रास होता है। किंतु मीरा की आत्मा तो निर्मल थी, निर्दोष थी, इसलिए वो ऐसा वचन देने को तैयार ना थी जिसका वो मान ना रख सके। मैंने कुछ अधिक तो नहीं मांग लिया आपसे? गिरधर गोपाल की भक्ति से किसी को भी रोकना पाप है और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। मुझे तो आपसे बस वचन चाहिए कि आप इस राज परिवार की मर्यादा बनाए रखेगी। मैं आपको वचन देती हूं, मेरे गिरधर गोपाल की दृष्टि में जो गलत हो या मर्यादा का उल्लंघन हो, ऐसा कोई भी कार्य मैं कभी नहीं करूंगी। क्षमा कीजिएगा राणा जी साहब, किंतु ये मीरा आपको इतना ही वचन दे सकती है। मेरे लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद मीरा भाई साहब।
वचन वही देना चाहिए जिसका पालन व्यक्ति कर सके। मीरा ने भी ऐसा ही वचन दिया जिसमें उसे कोई संकोच ना हो। किंतु ये शंका कि मीराबाई से राजमर्यादा भंग हो सकती है, इसका क्या कारण था? क्या मीराबाई से कोई बड़ी भूल होने वाली थी? भक्त जब भक्ति की पराकाष्ठा की ओर बढ़ता है तो समाज की अपेक्षाओं से ऊपर उठ जाता है, किंतु सांसारिक बंधनों में लिपटा समाज ये नहीं समझ पाता तो टकराव तो उत्पन्न होता ही है। किंतु इसी घटना के कारण भोजराज की भी अपने गुरु से भेंट होने वाली थी। वही वचन देना उचित है जिसे निभाना संभव हो।